सर्वप्रथम संत कबीर साहब को हमारा नमन है और आज हम बीजक ग्रंथ के अंतर्गत बसंत 12 जिसका शीर्षक है पाखंड को छोड़कर स्वयं के शोधन में लग जाओ। तो स्वयं का शोधन करना मतलब क्या होता है, पहली चीज तो हम थोड़ा सा समझेंगे। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, हमरे कहलक नहीं पति यार आप बुढ़े नर सलिलधार। इसका अर्थ है कि मनुष्य हमारी बातों पर विश्वास नहीं करता, वह स्वयं भवसागर की धारा में डूबता है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले कि हमरे कहलक नहीं पतियार, पतियार का मतलब होता है विश्वास या प्रतीत होना, कि हम जो कहते हैं उस पर विश्वास ही नहीं करते हो। आप बुढ़े नर सलिलधार, सलिलधार का मतलब होता है पानी की धारा। तो जो बुढ़े नर है ने स्वयं भवसागर की धारा में डूब जाते हो, तो ऐसा क्यों होता है, ये बहुत बड़ी पंक्ति है। कबीर साहेब ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो जानते हैं, हम जो कह रहे हो, आप उस पर विश्वास नहीं करते हो, उसको समझते नहीं हो, और न समझकर झूठी बातों के अंदर में आ जाते हो। किस प्रकार की झूठी बातें, झूठे बातों को आप धर्म के नाम पे प्रचार प्रसार करते हो, उसको अपनाते हो, झूठे देवता ईश्वर को मानकर उसमें उलझ जाते हो और नाना भ्रांतियों में डूब जाते हो, नाना भ्रांतियों के अंदर डूब जाते हो। नाना भ्रांतियों के अंदर क्यों डूब जाते हो, क्योंकि आपको हमारी बातों पर विश्वास ही नहीं होता। हम जो रास्ता बताना चाह रहे, हम आपको तारने का रास्ता बताना चाह रहे, तैरने का रास्ता बताना चाह रहे कि आप दुख से मुक्त हो जाओ। तो दुख से मुक्त कौन होगा, दुख से मुक्त वही होगा जो कबीर साहेब के वचनों को समझेगा। कबीर साहेब के जो वचन हैं वो भवसागर को पार करने वाले वचन हैं। इसका मतलब है कि कबीर साहेब जो बोलते हैं वो तारने के हिसाब से बोलते हैं। कबीर साहेब आपके सच्चे मित्र हैं, कबीर साहेब आपका कल्याण चाहते हैं, लेकिन आप हो कि उनको समझने को तैयार नहीं हो, उनको जानने के लिए तैयार नहीं हो, आप झूठे मान्यताओं के अंदर फंस गए हो, झूठे मान्यताओं के अंदर, झूठे ईश्वर के अंदर, झूठे धर्मों के अंदर आप फंस के अपना अकल्याण कर रहे हो और भवसागर के अंदर डूब रहे हो, दुख के अंदर डूब रहे हो, आपका कल्याण नहीं हो रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं हमारी बात तो आप मानते ही नहीं हो, और न मानने के कारण आप भवसागर की धारा में डूब रहे हो, डूब के मर रहे हो। तो मृत्यु से जन्म, मृत्यु के बंधन से जीतने के बारे में है ये जो वाक्य है, जन्म और मृत्यु के बंधन से जीतने के बारे में कबीर साहब कह रहे हैं। जन्म मृत्यु के बंधन के से मुक्ति के बारे में कबीर साहब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब खुद जन्म मृत्यु के बंधन से छूट गए हैं। कबीर साहब खुद जन्म मृत्यु के बंधन से छूट गए हैं और वो जानकर ये चीज कह रहे हैं, ऐसे अनजाने में नहीं कह रहे, अचानक कह नहीं रहे कि उस समय इतने बड़े धर्मांध लोगों को, आज से 600 साल पहले धर्मांध लोगों को, ईश्वर को मानने वाले लोगों को, देवताओं के मानने वाले लोगों को, कर्मकांडी लोगों को एकदम से इस तरीके से बोलने की हिम्मत कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता है। वो कबीर साहेब ही वो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो कल्याण मित्र है,
वो सत्य को जानते हैं, वो आपके कल्याण मित्र है, आपको दुख में डूबता हुआ देख रहे हैं अपने प्रज्ञा चक्षु से, अपने ज्ञान के चक्षु से, अपने विवेक के चक्षु से, और उनसे रहा नहीं जाता। रहा नहीं जाता इसलिए बोल देते हैं कि कम से कम वो बातों को समझ तो लो, जान तो लो। इसलिए आगे फिर कबीर साहब क्या कहते हैं सुनिए। ये कबीर साहब क्या कहते हैं, अंधा कहे अंधा पतियाय जस विश्वा के लगन धराय। इसका अर्थ है कि अंधे लोग अंधों की बातों पर विश्वास करते हैं। अंधे लोग अंधों की बातों पर विश्वास करते हैं, जिसमें स्वयं विवेक नहीं, वो दूसरों को चलाने का ठेका ले रखा है उन्होंने। जैसे आदमी उसी प्रकार स्वयं निष्ठा, स्वयं के बारे में जानकारी छोड़कर नाना देवी देवताओं की भावनाओं में बह रहा है, जैसे वेश्या नित्य नए नए लोगों को अपना पति बनाती है। जैसे वेश्या जो है, विश्वा का मतलब यह वेश्या है, लगन धरा है, लगन यानी विवाह का मुहूर्त। तो जैसे वेश्या जो है वो क्या करती है कि नए नए लोगों को अपना पति बनाती है। तो संसार में अंधे लोगों को, अंधे को अंधा चला रहा है संसार में। अंधा कहे अंधा पति आय, अंधा कहे अंधा पति आय जस विश्वा के लगन धराय। जस विश्वा के लगन धराय, तो संसार में अंधे अंधों को चला रहे हैं, जिसे स्वयं विवेक नहीं, दूसरों को तारने का ठेका उन्होंने ले रखा है। जैसे वेश्या नए नए पुरुषों के पास जाती है, क्योंकि उसका कोई पति ही नहीं होता है, उसका कोई पति नहीं होता है, कोई उसका स्वामी नहीं होता है। तो पति न होने के कारण वो पर पुरुष के पास में रमण करने के लिए जाती रहती है। तो एक अंधा दूसरे अंधे को समझाता है भवसागर से तरने के बारे में। एक अंधा जिसने अपने स्वामित्व को नहीं जाना है, बात को समझना, समझ के जानना। एक अंधे ने दूसरे अंधे को मार्गदर्शन किया, एक अंधे को पता नहीं, वो दूसरे अंधे को क्या बताएगा। तो एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा आ रहा है, और वो दूसरा अंधा जो आता है वो एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा चल रहा है, और दूसरे के तीसरे पीछे। तो ऐसे अंधों की भीड़ चल रही है, अंधों की भीड़ चल रही है। जिसने कभी आत्मा को नहीं समझा, परमात्मा को नहीं समझा, वही आत्मा परमात्मा की बात समझता है कि नहीं है पता नहीं, बोले मैंने अनुभव किया है, लेकिन क्या है। जिसने मुक्ति नहीं समझा वो स्वर्ग की कल्पना कर रहा है, नरक की कल्पना कर रहा है। तो कल्पना में अंधे बन के घूम रहे हैं, जिनको स्वयं चेतना के बारे में नहीं मालूम, जिनको स्वयं के रूप के बारे में नहीं मालूम, जिनको मुक्ति के बारे में ABCD नहीं मालूम, वो लोग देवी देवता बने हुए हैं, चमत्कारों को करते हैं। तो लोगों को क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं। और भ्रमित करके वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि विवेकहीन है, दुर्बुद्धि है। तो विवेकहीन लोग है, दुर्बुद्धि है, अंधे है, वो एक अंधे को दूसरा अंधा चला रहा है। तो अंधों ने एक धंधा बना लिया है अंधों का, गाय का धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे धंधा बना के एक अंधा दूसरे अंधे को चला रहा है। इस प्रकार से तारने का ठेका उन्होंने ले लिया है। तारने का ठेका कैसा लेते हैं कि आप नदी में जाके नहाओ, नदी में जाके नहाओ तो आप तर जाओगे, आप यहाँ पानी पिलाओ तो तर जाओगे, इधर नहाओ तो तर जाओगे, यहाँ पे अन्न चढ़ाओ तो तर जाओगे, कुछ का कुछ बताते रहते हैं। तो जनता के अंदर में दिग्भ्रमित दृष्टिकोण पैदा करते हैं, जनता का विवेक हरण कर लेते हैं। और हरण करने के कारण, क्योंकि स्वयं सबसे बड़े अंधे होते हैं, तो दूसरे लोगों को भी अंधे बना के एक अंधा दूसरे को अपने पीछे ले जाता है। जैसे कोई वेश्या क्या होती, रोज नए नए पति को ढूंढती है। तो ऐसे ही ये अंधे रोज देवी देवताओं को ढूंढने लगती, इनके कई सारे देवी देवता हो जाते, जहाँ देखो वहाँ देवी देवता, जहाँ देखो वहाँ देवी देवता। देवी देवताओं का उन्होंने एकदम भंडारा लगा रखा है,
उन्होंने निर्माण किया है, इतनी सारी देव देवता, हजारों में देव देवताओं का निर्माण किया, लेकिन कौन सी देवता का क्या काम है इनको खुद को भी नहीं मालूम, इनको खुद को भी नहीं मालूम, बस लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि खुद भ्रमित है इसलिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए एक अंधा दूसरे अंधे को दौड़ा रहा है, तो कैसे दौड़ा रहा है कि जिसका कोई पति नहीं, स्वामी नहीं। यहाँ पे एक वेश्या का एग्जाम्पल दिया है, वेश्या का कोई पति नहीं होता तो वो कहीं भी भटक रही है, किसी को भी अपना पुरुष हर दिन बनाती है, लेकिन जिसका स्वामी आप है, जिसका पति है, तो उसी घर में जाएगी वो। तो यहाँ एक एग्जाम्पल समझाने के लिए, तो एक जगह तथागत कहते हैं, आप अपना स्वामी है, आप अपना स्वामी है, अगर आप अपने स्वामित्व को पा लेते हैं, दुर्लभ स्वामित्व को पा लेते हैं, तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। हराने का मतलब है कि मार के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। आप अपने स्वामित्व को पालोगे तो मार के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे, अकुशलता के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे, आप निब्बान के क्षेत्र में आ जाओगे, सदगति के क्षेत्र में आ जाओगे। तथागत भी यही वाणी कहते हैं। तो कबीर साहेब उसी बात को अपने ढंग से कहते हैं, कबीर साहेब उसी बात को अपने ढंग से कहते हैं कि एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चल रहा है, और एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे इसलिए चल रहा है कि क्योंकि उसको अपना स्वामित्व नहीं मिला है, वो अंधा बन के अंधों का गुणगान कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि कबीर साहब क्या कहते हैं। सो तो कही है ऐसो अबुझ खसम ठाट ढिग नाही सुझ। उसको तो ऐसा नासमझ कहना चाहिए जैसे किसी का स्वामी पास ही खड़ा हो किंतु उसे दिखाई न दे। किसी का स्वामी पास ही खड़ा हो उसको दिखाई नहीं दे, और इसीलिए क्या करता है वो, इसीलिए वो नए नए स्वामियों को खोजते फिरता है, नए नए स्वामियों को बाहर खोजते रहता है। तो ऐसा क्या होता, उसको ऐसा समझना चाहिए किसी स्वामी के पास में खड़ा है किंतु वह उसे ना दिखाई दे, तो अंधे को ना दिखाई दे, इसलिए वह बार बार उसे खोजते रहता है। कैसे खोजते रहता है, जैसे हिरन, हिरन के अंदर कस्तूरी होती है, हिरन के अंदर ही कस्तूरी होती है, लेकिन वो खोजता है बाहर। अब इसका भी स्वामी अंदर, अपने अंदर ही है, लेकिन पास में ही है, पास में ही स्वामित्व है, लेकिन ढूंढ रहा है बाहर, स्वामित्व को ढूंढ रहा है बाहर, वो भटकता है। तो आप अपने स्वामित्व को कहाँ ढूंढ रहे, बाहर ढूंढ रहे, किसी पत्थर के अंदर ढूंढ रहे, किसी पेड़ के अंदर ढूंढ रहे, किसी किताबों के अंदर ढूंढ रहे, किसी ग्रंथों के अंदर ढूंढ रहे, किसी धर्म के अंदर ढूंढ रहे, लेकिन अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे, अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे अपने स्वामित्व को। जैसे कि हिरन अंदर कस्तूरी होने के बाद दौड़ लगा रहा है कस्तूरी का सुगंध सुन सुन के बाहर, लेकिन ढूंढ नहीं रहा। तो ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चलने के कारण अपने स्वामित्व को नहीं पाता है, और स्वामित्व को न पाने के कारण एक अंधा दूसरे अंधे को दौड़ा रहा है, खुद भी दौड़ रहा है और लोगों को भी दौड़ा रहा है, भ्रमित है। तो भवसागर को पार होने के बारे में तो दूर की बात है, उसको भवसागर का मतलब भी नहीं समझ में आएगा, वो एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे दौड़ लगाए, बस दौड़ लगाने का काम कर रहा है, ऐसे कबीर साहब कह रहे हैं। आगे कबीर साहब क्या कहते हैं, आपन आपन चाहे मान झूठ प्रपंच साच करी जान। आपन आपन चाहे मान झूठ प्रपंच साच करी जान। तो ये क्या चीज है, जो सांप्रदायिक लोग होते हैं, संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अपने मान सम्मान में अटके हुए हैं, इसलिए वे अपने बनाए झूठे आडंबर को ही सच्चा समझते हैं। संप्रदाय के जो लोग हैं केवल अपने अपने मान सम्मान में अटके हुए, इसलिए वे अपने बनाए झूठे आडंबर को ही सच्चा समझते हैं। तो अधिकतर संप्रदायों के लोगों में क्या होता है कि वो सत्य न समझने के कारण
ना चेष्टा करते हैं ना समझने की उनके अंदर में कोई भूख है, लेकिन उनको सम्मान चाहिए। इसलिए देवी देवताओं के अवतार के नाम पर बड़ी बड़ी जालसाजियां करते हैं, अपना झूठ का जाल ऐसे फैलाते हैं कि वे अपने आप को अवतार घोषित करते हैं या भगवान भी घोषित करते हैं, कभी खुद अपने आप ही घोषित कर देते हैं या कभी कभी शिष्यों से करवाते हैं, और अपने चमत्कार की अफवाह उड़ाते हैं या शिष्यों से उड़ाते हैं। तो लोग उनके जाल में फंस जाते हैं, तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि आपन अपन चाहे मान, झूठ प्रपंच साच करी जान। साच करी जान मतलब वो प्रचार प्रसार करते हैं, झूठे प्रपंच का प्रचार प्रसार करते हैं और सत्य को तो जानते नहीं हैं। सत्य को तो जानना उनको समझ में भी नहीं आता है। उनका जो मूल उद्देश्य होता है कि जनता उनको माने, उनको भगवान माने, उनको अवतार माने, उनको बहुत बड़ा कुछ माने, इसलिए वो जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, भटकाने के लिए अपनी प्रशंसा करते हैं, अपनी प्रशंसा अपने ही माध्यम से करवाते हैं या अपने चेलों के माध्यम से करवाते हैं, क्योंकि चेलों ने और उन्होंने मिलकर एक बड़ा धंधा बना लिया होता है, और उन धंधे के इसमें जो सामान्य जनता है ये इनके जालसाजी के अंदर में उलझ जाती है। वे नए नए देवी देवताओं का निर्माण करते हैं, अवतारों का निर्माण करते हैं, नए नए आडंबरों का निर्माण करते हैं, और जो चीज़ उन्होंने जानी नहीं, समझी नहीं, ना समझा सकते किसी को, ना वो खुद जान सकते हैं, केवल कल्पना के अंदर में, ना उसका कोई प्रमाण होता है ना कुछ होता है, वो एक प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं और एक भ्रम जाल तैयार करते हैं। उस भ्रम जाल के अंदर में अपनी मान बढ़ाई करते रहते हैं। अपनी मान बढ़ाई करने वाले आपको बहुत लोग दिखेंगे, जो रास्ते पे दिखेंगे, चौराहे पे दिखेंगे, कई लोग दिखेंगे, लेकिन अपनी मान बढ़ाई करने के चक्कर में वो सत्य का रास्ता ही भटक जाते, वो सत्य तक नहीं पहुँच पाते हैं, और सत्य तक नहीं पहुंचने के कारण ये जो जीवन है, ये अमूल्य जीवन है, इसको व्यर्थ गवा देते हैं, इस जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं, ऐसे कबीर साहब कहते हैं। आगे कबीर साहब क्या कहते हैं, झूठा कब हो न करी है काज, हो बर जो तोहे सुनू नीलाज। तो यहाँ कबीर साहब ये कहना चाहते हैं, परंतु हे निर्लज सुन, मैं तुम्हें झूठ की तरफ जाने से रोकता हूँ, क्योंकि असत्य तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। हे निर्लज, ये बुद्धिहीन, निलाज का मतलब यह निर्लज होता है, तो हे बुद्धिहीन निर्लज, यानी जिसको कोई लाज नहीं, जिसने अपनी लाज संकोच सारी भेज दी है, तो एक शब्द इस्तेमाल करते कबीर साहब, निर्लज, हे निर्लज सुन, मैं तुम्हें झूठ की तरफ जाने से रोकता हूँ, क्योंकि असत्य तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। असत्य है, जो झूठी बातें हैं वो तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती है, इसलिए मैं तुमको उधर जाने से रोकता हूँ। तो असत्य कल्याण क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि चमत्कार और देवत्व का झांसा देकर कोई धर्म का धंधेबाज, धर्म का जो धंधेबाज होता है, धन तथा चेले भले ही चढ़ा ले, परंतु उनकी स्वयं की संतुष्टि नहीं हो सकती है। वे निर्लज है जो एक तरफ तो धर्म और ईश्वर के भक्त बनते हैं,
और दूसरी तरफ अति मानवीय दैवीय चमत्कारी अतिशयोक्तिपूर्वक बातें करते हैं जो सबकी सब झूठी होती है, जिसमें कपट छल और दिखावा होता है। वही चमत्कारी बातें होती है, उसके पास कोई शांति नहीं रहती, शांति उसके हृदय में नहीं रहती। जिसका हृदय निष्कपट सरल तथा सत्यानुरागी हो, पाखंडी धन तथा जनता को तो इकट्ठा कर सकता है, लेकिन वो उसके चित्त के अंदर शांति नहीं आ सकती। तो वह जो असत्य को लेके भटकते रहता है, उसको पथ नहीं मिलता है। धर्म के नाम पर असत्य का आधार लेना ही महापाप है। तो जो पापी होता है, जो निर्लज होता है, जो दुर्बुद्धि होता है, वो क्या करता है? वो असत्य का प्रचार प्रसार करता है। उसका कोई सत्य पर दावा नहीं होता है, वो असत्य के प्रचार प्रसार करते करते अपना जीवन बर्बाद कर देता है। तो कबीर साहिब कहते हैं, निर्लज सुन, मैं तुम्हें झूठे के तरफ जाने से रोक रहा हूं, क्योंकि ये जो झूठा वचन है, झूठे काम है, तुम्हारा कोई कल्याण नहीं करने वाला, तुम जाग जाओ समझ जाओ, क्योंकि उनको पीड़ा हो रही है अंदर से। पीड़ा किस लिए हो रही? क्योंकि वो कल्याण मित्र है, वो बुरा होते हुए नहीं देख रहे। उनको समझ में आ रहा है कि ये धंधेबाज लोग धंधा करने के लिए खुद तो गड्ढे में गिर रहे, सामान्य जनता को भी गलत रास्ते पे ले जा रहे। जैसे कि जाल फैलाने वाला मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फैलाता है और मछलियाँ उसमें अटक जाती है और अपनी जान गवा देती है जाल के अंदर में आके, ऐसे ही ये असत्य का जाल लेके खुद तो उसमें फंसे हुए हैं, लोगों को भी उसमें फंसा रहे हैं। तो इनकी मुक्ति नहीं हो रही है, ये पीड़ा से वह पीड़ित होने वाले हैं, ये दुख के भंवर के अंदर में जाने वाले हैं। इसलिए कबीर साहेब इतने कठोर और तीक्ष्ण वचन बोलकर इनको समझा रहे कि निर्लज सुन, मैं तुम्हें झूठ की तरफ जाने से रोकता हूँ, क्योंकि इससे तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होने वाला, ऐसे कबीर साहेब कहते हैं। आगे कबीर साहेब क्या कहते हैं? छाड़ हूँ पाखंड मानो बात, नहीं तो पर बेहू यम के हाथ। छाड़ हूँ पाखंड मानो बात, नहीं तो पर बेहू यम के हाथ। यम के हाथ में पड़ जाओगे, इसलिए पाखंड को छोड़कर मेरी सत्य बातों को समझने का प्रयास करो, नहीं तो इस दुख के चक्कर में, इस भाव में भटकते रहोगे। यम के चक्कर में पड़ोगे, मृत्यु के भौजाल के अंदर में पड़ जाओगे और आपकी मुक्ति नहीं होगी, इसलिए कबीर साहब जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि छड़वू पाखंड मानो बात, नहीं तो परबेहू यम के हाथ। पाखंड छोड़ दो और बात मानो, सदैव सत्य का आधार लो। जो लोग मूर्ता के वश असत्य में फंसे हैं, कल्याण तो उनका हुआ ही नहीं, लेकिन अकल्याण जरूर हुआ। तो जो धर्म के नाम पर धूर्त है, धूर्त लोग जानबूझकर लोगों को असत्य में फंसाते हैं, तो
धर्म के नाम पे वो जो चोला पहनते हैं, वो जो पाखंड करते हैं, वो यम के हाथ में पड़ जाते हैं, यम के जाल में फंस जाते हैं। वो समझते हैं कि हम लोगों को छल रहे हैं, लेकिन वो खुद ही छल रहे हैं। तो क्योंकि मृत्यु तो आनी है, मृत्यु तो आनी है, खुद के स्वामित्व को नहीं पाते हैं। खुद के स्वामित्व को नहीं पाने के कारण भवसागर को नहीं समझते, भवसागर को तैरने का मार्ग नहीं मालूम, इसलिए अशांत होके, पीड़ित होके उसी भंवर जाल में घूमते रहते हैं। इसलिए तो आपने देखा होगा कि कहीं ये जो साधु संत जो बनते हैं, जो चोला पहनते हैं, इनका लक्ष्य क्या होता है? इनका लक्ष्य राजनीति के अंदर में बड़े बड़े पद पाना, इनका लक्ष्य होता है किसी मठ का उत्तराधिकारी बनना, इनका लक्ष्य होता है बड़े बड़े बैंक बैलेंस बनाना, इनका लक्ष्य होता है सोने चांदियों की मूर्तियों को इकट्ठा करना, लोगों से दान लेना, लोगों से इसका के लिए दान लेना कि मैं तुमको स्वर्ग भेज दूंगा, तुमको ये पुण्य करवा दूंगा, वो पुण्य करवा दूंगा। इनके बड़े झगड़े झांसे होते हैं, ट्रस्ट में बड़े बड़े पद पाने के लिए झगड़े झांसे करते हैं, लेकिन सारा प्रपंच खड़ा करने के बाद भी अपने स्वामित्व को नहीं पाते हैं। वो धन संपत्ति को स्वामित्व बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने असली स्वामित्व से मुक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, और इसलिए उस असत्य के बंधन में, मार के बंधन में पड़ जाते हैं, और मार के बंधन में पड़कर मृत्यु के बंधन में पड़ जाते हैं, और अपना अकल्याण कर देते हैं। जब वो अपना अकल्याण कर देते हैं तो उनके पीछे जो उनके शिष्यों की जो भीड़ होती है, उनका भी अकल्याण कर देते हैं, क्योंकि जो सामने वाले जाने वाला जो भेड़ है, उसके पीछे जाने वाला जो भेड़ों का झुंड है, तो जो उसका प्रतिनिधि करता है, वो गलत रास्ते पे अगर जाता है तो उसका पीछे चलने वाला झुंड भी गलत रास्ते पे चला जाता है, और इसके कारण संसार के अंदर में मूढ़ लोग मूढ़ता निर्माण करने का काम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इसलिए कबीर साहब इतने तीक्ष्ण भाषा से निर्लज कह के उनको बुला रहे हैं, निर्लज कह के समझा रहे हैं, निर्लज कह के उनको बता रहे, क्या बता रहे हैं कि हे निर्लज सुन, तेरा असत्य कल्याण नहीं कर सकता, तेरा असत्य कल्याण नहीं कर सकता है, तू धंधेबाज बन गया है, असत्य तेरा कल्याण नहीं कर सकता, तू सत्य को समझ नहीं रहा है, और सत्य को नहीं समझने के कारण यम के पास जाने से तेरे को कौन रोक सकता है, तू इस भवसागर के अंदर घूमेगा, तृष्णा के मारे अकल्याण होगा तेरा, दुख में पीड़ित हो जाएगा तू। तो कबीर साहेब ऐसा इसलिए कहते हैं कि चढ़ू पाखंड मानो बात, नहीं तो परबेहू यम के हाथ, नहीं तो परबेहू यम के हाथ में पड़ जाओगे, और यम के हाथ में पड़ने से क्या होगा कि वही आदमी पड़ेगा यम के हाथ की, जो जागृत नहीं है, जो सत्य को नहीं जानता, जिसने अपने आप को नहीं जगाया, जो भ्रम के अंदर में पड़ा रहा, वो यम के हाथ में पड़ जाएगा। तो यम के हाथ में नहीं पड़ना है, यम के हाथ से बचना है। बचने का तरीका क्या है कि शरीर को छोड़ने से पहले अपनी मुक्ति कर लेना है, अपनी दुखों से मुक्ति कर लेना है, राग द्वेष और मूढ़ता से मुक्ति कर लेना है। वो मुक्ति का पथ कबीर साहेब बता रहे हैं, वो जागरण का पथ बताने का काम कबीर साहेब कर रहे हैं, और इसके पहले भी, कबीर साहेब के पहले भी तथागत ने भी जागरण का पथ बताया। अष्टांगिक मार्ग के आधार पर जाके आप, अष्टांगिक मार्ग पर जाकर आप अपने दुख का समाप्त करने का तरीका जान सकते हो, दुख को मुक्त कर सकते हो, ये तथागत ने भी कहा है। और तथागत के लाइन को लेके कबीर दास साहेब भी उसी प्रकार की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार की बात कह रहे हैं, बस कहने का ढंग थोड़ा अलग है। तो आगे फिर कबीर साहेब क्या कहते हैं, कही कबीर नर किया न खोज, भटकी मुआ जस बन के रोज।
अब रोज का मतलब यहाँ क्या होता है? नील गाय। रोज का मतलब होता है नील गाय। तो कबीर साहब कहते हैं कि आदमी स्थिर होकर स्वयं का अन्वेषण नहीं करता, और अन्वेषण नहीं करने के कारण वन की जो नीलगाय की तरह भटक भटक कर मरता है। वन की जो नीलगाय होती है उस पर भटक भटक के मरता है। कहीं कबीर नर किया न खोज, भटकी मुआ जस बन के रोज। आदमी खोज नहीं करता और नीलगायों की तरह भटक भटक कर मरता है। जंगल की जो नीलगाय होती है बड़ी तेज होती है, वे भय की थोड़ी भी आहट पाकर भाग जाती है। इस अंतिम पंक्ति में महत्वपूर्ण भाव शब्द है खोजना तथा भटकना। खोजने वाला भटकता नहीं और भटकने वाला खोज नहीं सकता। बाहरी वस्तुओं को खोजने के लिए तो बाहर चलना पड़ता है, लेकिन यदि हम अपनी खोज करना चाहें तो उसके लिए भटकना बंद करना पड़ता है। स्वयं की खोज में भटकाव बंद हो जाता है, अपने आप का शोधन कौन करता है? कहां से छुटकारा मिलेगा? मुझे क्या चाहिए? वो चिंतन मनन करेगा और चिंतन मनन करेगा। क्या चिंतन मनन करेगा? क्योंकि अपने बारे में होश से, जागरण से वो अपने बारे में सोचेगा। सोचेगा तो निज स्वरूप का उसको बोध हो जाएगा। और ये बोध कैसे होगा? क्योंकि विवेकी संतों के साथ वो सत्संग करेगा, और सत्संग करने के कारण उसका भटकाव बंद हो जाएगा। जब वो निज स्वरूप का उसको बोध हो जाएगा, तब वो मालिकाना हक को प्राप्त कर लेगा। और मालिकाना हक को प्राप्त जब करेगा तभी वो भवबंधन से छूट जाएगा, नहीं तो नील गाय की तरह भटकते रहेगा। तो ताकतवर तो आदमी है, बहुत ताकतवर है। नील गाय का एक उदाहरण दिया कि वन में भटकती है। वन में भटकती आदमी भी ऐसे भटकता है क्योंकि अपना विश्लेषण नहीं करता, अन्वेषण नहीं करता। तथागत साथ बोधि अंग के अंदर में एक बात को कहते हैं, वो है धम्म विचय संबोधंगे। धम्म का विश्लेषण करना, अन्वेषण करना। धम्म जो है, जो स्वभाव है, जो मार्ग है, जो रास्ता है, जो सिद्धांत है, उसको एनालिसिस करना। जब उसको एनालिसिस करता है तब उसको पता चलता है कि सही और गलत क्या है, क्योंकि विवेक बुद्धि उसका काम करना शुरू करती है। जब सच्चाई के मार्ग पर व्यक्ति आता है तब, लेकिन जो मूढ़ है, जो आलसी है, जो प्रमाद में पड़ा हुआ है, जो गफलत में पड़ा हुआ है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है, अपने आप कल्पना में जी रहा है, जिसने कल्पना आश्रित देवी देवताओं का मान लिया है, कल्पना आश्रित साहित्य रचना कर दी है, कल्पना आश्रित अपने आप को उसने श्रेष्ठ घोषित कर दिया है। ऐसा घोषित कर दिया है कि उसने ये भी बोल दिया है कि मैं तो किसी इंसान के, मतलब माँ के पेट से ही पैदा नहीं हुआ, मैं तो किसी मुख से पैदा हुआ, किसी के जाति से पैदा हुआ हूँ। तो ऐसे ऐसे साहित्य की रचना कर दी है कि कोई जंगा से पैदा हुआ तो कोई पैर से पैदा हुआ, कोई वर्ण व्यवस्था बना दिया तो कोई जाति व्यवस्था बना दिया। तो दुर्बुद्धि लोगों ने पूरा एक षड्यंत्र के तहत पूरा जाल बिछा के रख दिया। तो जाल बिछाने के कारण वो एक धर्मांधता के कारण एक प्रपंच खड़ा कर दिया, और एक हवा में महल ऐसा खड़ा कर दिया कि उस महल के अंदर में मूर्ख आदमी ने लोगों को भी मूर्ख बनाना शुरू किया, और एक मूर्ख के पीछे दूसरा मूर्ख भाग रहा है, और जाके यम के साथ में पड़ जाता है, यम के जाल में फंस जाता है, मृत्यु के जाल में फंस जाता, मुक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि विवेक जग नहीं पाता, प्रज्ञा जान नहीं पाता, सही रास्ता जान नहीं पाता, और सही सद्गुरु की उसको इसलिए मुलाकात नहीं हो पाती, समझ नहीं पाता। उनको न समझने के कारण भव बंधनों के अंदर में उलझते रहता है, और उलझने के कारण
वो अपनी न अपनी मुक्ति करता है, न अपने साथ वाले लोगों की मुक्ति करता है, और ऐसे ठगबाजों को अपना शिष्य बनाता है कि वो ठगी का काम करते हैं, वो चमत्कारों का काम करते हैं। तो आज आपने देखा होगा, कभी देखा होगा, कभी सीरियल आप देखते होंगे, सीरियल के अंदर में चमत्कारों का बहुत सारा समाचार रहता है, पेपरों के अंदर आप पढ़ते होंगे चमत्कार के ऊपर बहुत सारी बातें होती है जिसका कोई प्रमाण नहीं होता है। अगर प्रमाण मांगने जाओ तो वो बोलेंगे कि तुम हमारे धर्म के विरोध में हो, वो खड़े हो जाएंगे आपके विरोध में, अब शब्दों का उच्चार करने लग जाएंगे अगर आप उन्होंने सत्य को उनको बताने की कोशिश की। वो बोलेंगे आप हमारे देवी देवताओं के बारे में कुछ कुछ कह रहे हो। कबीर साहब कहते हैं कि ना आपके देवी देवताओं से मुझे मतलब है, मुझे तो आपसे मतलब है, मुझे तुमसे मतलब है। तुम अपने स्वामित्व को प्राप्त कर लो, तुम्हारा स्वामित्व तुम्हारे अंदर है, तुम अपने अंदर की वो कस्तूरी को तो पता कर लो, तुम अपने अंदर की उस शक्ति को तो पता कर लो। क्यों भटक रहे हो भिखारी बन के, क्यों अपने आप को मूर्ख बना के भटक रहे हो? तो भटकना नहीं है, अपने स्वामित्व को प्राप्त करना है, अपने स्वामित्व को प्राप्त करने के विवेकवान बनना है, जानना है, कार्यकारण के सिद्धांत को जानना है। दुनिया के अंदर में कोई घटना घटती है उसके पीछे कोई कारण होता है, और कारण भी विज्ञान सम्मत होता है, जानकारी के सम्मत होता है, प्रमाणाश्रित होता है, ऐसा कुछ हवा में नहीं होता है कि अचानक कुछ भी हो गया, अचानक नहीं होता कुछ भी। दुनिया जो चलती है एक नियमों के तहत चलती है, और नियमों के तहत चलने का काम करती है। इसलिए जो भवसागर से पार होना चाहते हैं, भवसागर से पार होना चाहते उनके लिए मार्ग है जो संतों ने दिया है, जो कबीर साहेब ने दिया है, जो तथागत गौतम बुद्ध ने दिया है, जो अन्य संतों ने दिया है। तो उस मार्गों को समझ के अपना भला करिए, अपने को जागरण करिए, जागृत करिए, और जागृत करके अपना भला करके अपने स्वामित्व को प्राप्त करके अपना सम्मान बढ़ा के लोगों का भी सम्मान बढ़ाइए। तो गलत भ्रांत सिद्धांत का अनुयायी न होकर अच्छे सिद्धांत का अनुयायी होना है, और अपना कल्याण करना है, अपना परिवार का भी कल्याण करना है, अपने मित्रों का भी कल्याण करना है, अपने क्षेत्र का कल्याण करना है, अपने प्रदेश का कल्याण करना है, अपने देश का कल्याण करना है, और विश्व का कल्याण करना है। तो कल्याण पथ के लिए हमको निकलना है, और अपने आप को सही डायरेक्शन में लगा के, सही रास्ते पे लगा के अपने को इस जन्म मरण के बंधन से, मृत्यु को जीतना है, मृत्यु वाले बंधन को जीतना है, और मृत्यु को जीतकर अपने आप को सुपथ पे लगाना है। आपकी मुक्ति हो, आपके जीवन में आनंद आए, आपके घर परिवार में सब लोग रोग से मुक्त रहे, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, इन्हीं कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु।